ऑरेंज जूस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुक हाउस। आज हम बनाएंगे ऑरेंज जूस। ये मैंने फ्रिज में ऑरेंज रखे हुए थे, ये मैंने ऑरेंज ले लिया फ्रिज से। अब हम ऑरेंज को वॉश करेंगे। ये एक एक करके मैंने सारे ऑरेंज को वॉश कर लिए। ऑरेंज ये अब हम इकट्ठे ऑरेंज को वॉश करेंगे, सारे पानी निकाल लेंगे थोड़ा सा। मैं आपको ऑरेंज का जूस बनाने की दो मेथड बताऊंगी, एक तो जूसर के साथ और एक विदाउट जूसर, मतलब हाथ के साथ। देखते हैं किसमें से जूस ज़्यादा निकलता है, हाथ वाले में से या जूसर से। ये दोनों हमने दो कप लिए हैं मैंने पहले, और एक साइज़ के दोनों ना ऑरेंज ले लिए। देखते हैं किसका ज़्यादा निकलता है, ये जूसर से भी निकालेंगे और हाथ से भी निकालेंगे। एक ऑरेंज को मैंने नाइफ के साथ काट किया है सेंटर से, इसका जूस हम हाथ से निकालेंगे, और जो नाइफ है उससे हम पीस निकाल लेंगे ऑरेंज के। ये तब निकालेंगे जब हम हाथ से निकालेंगे ना जूस। अगर हमें जूस हाथ से निकालना होगा तब हम पीस निकालेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें, बहुत आसान है। देखिए आपको कौन सा मेथड पसंद है, फिर मेरे से शेयर कीजिएगा। ये देखिए, ये हाथ से हम जूस निकाले, प्रेस करेंगे इसको, देखते हैं कितना जूस, किसमें से ज़्यादा जूस निकलता है। ये पहले हम एक करेंगे, अब हम दूसरे को करेंगे। ये पूरा ऑरेंज ले लिया, इससे सही नहीं निकला। देखें आपको नज़र आ रहे होंगे इसके रैशेस, जूस की कप मग में भी गिर गए हैं और निकाले हमने, गंदा सा लग रहा है, इतना अच्छी लुक नहीं आई उसकी। ये देखें, अब मैं सारे ऑरेंज छील लूँगी, ऊपर से छील के उतार लूँगी। इसका हम मशीन से बनाएंगे। ये देखें, ये वो था जो हमने हाथ से बनाया था, और वो नीचे वाले जो हमने अभी कवर उतारे हैं वो हम मशीन से बनाएंगे। ये हमने जूसर ऑन किए, ये देखें। अब हम इस मोरी डालेंगे, फिर इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। ये देखें, एक ही ऑरेंज का निकाला है, ज़्यादा का नहीं। देखें किसका ज़्यादा है, जो हमने हाथ से निकाला वो ज़्यादा है या जो मशीन से निकाला वो ज़्यादा है। जो मशीन से निकाला वो ज़्यादा है, वो अच्छा भी लग रहा है, हाथ वाला बना भी सही नहीं था। ये देखें, मशीन वाला ज़्यादा है, हाथ वाला नहीं सही बना, उसमें रैशेस भी रह गए थे ऑरेंज के। अब हम इसी तरह मज़ीद सारे ऑरेंजेस का जूस निकालेंगे मशीन के साथ ही। काफ़ी टेस्टी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बनाए और फिर आप बताएं कैसा बना, शेयर कीजिएगा। ये देखें, सारा बन गया। अब हम ये कप मग क्योंकि फुल हो चुका है, अब हम दूसरा मग ले लेंगे। ये हमारा दूसरा बन गया। अब मैं आपको उस जिसका हमने पहले हाथ से निकाला था ना, जिस ऑरेंज का जूस वो नहीं सही निकला, थोड़ा सा निकला था, उसको भी मैं मशीन से निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो वो ऑरेंज था जो हमने हाथ से निकाला था उसको भी हम मशीन में डालेंगे, तो काफ़ी सा जूस निकलेगा, हमारा ज़ाया भी नहीं होगा। बेहतर है कि हम जूसर यूज़ करें ना कि हाथ से बनाएं, क्योंकि हाथ से अच्छा भी नहीं बनेगा और आपके ऑरेंज ज़ाया भी काफ़ी होंगे। आपको कप में नज़र आ रहा होगा जो हमने वो थोड़ा सा मैंगो ऑरेंज था, सॉरी, वो भी हमने ऐड कर लिया इसमें। हमारा जूस रेडी है, अब हम इसको मशीन को खोलेंगे। मशीन में ना थोड़ा बहुत जूस होगा, वो भी हम
मशीन को टेढ़ा करके ना वाले कवर को, वो भी डाल लेंगे उसी कप में निकाल लेंगे। ये देखें जूस है ना उसमें, वो कप में निकल आएगा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा, बट इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें जूस हमारा रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको सर्टेन कर लेंगे। ये देखें जो हमने जूस बनाया था उसका जो वेस्टलेस मटेरियल था उसको भी हम ना सर्टेन कर लेंगे अच्छी तरह कि वो कैसा बने। काफ़ी अच्छी वीडियो है और टेस्टी भी बहुत है, रेसिपी काफ़ी अच्छी है। प्लीज़ आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए, यही तो मौसम है, काफ़ी अच्छे। आई होप सो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। Cook House।